इसमें ऑलमोस्ट जो है 40 करोड़ की रिकवरी की। और इसमें जो एक और चीज़ जो है वो जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के सारे एम्प्लॉइज़ के लिए और आप सबको लोग पब्लिक के लिए जानने की होगी कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं आम पब्लिक में जर्नली क्या होता है कि एक नोशन होता है कि ये लॉस मेकिंग है। और आपको बताऊँ फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग डेडिकेट जो 21 में हमारा 12 करोड़ के करीब की जो लॉस था उसके बाद मार्च एंडिंग में 28 लाख प्रॉफिट में है और एंड ऑफ द सेप्टेम्बर जो है उसमें 20 लाख और होपफुली जो है एंड ऑफ द मार्च 24 में करोड़ में हमारी फिगर होगी। इसके साथ मैं एक चीज़ आपसे और ऐड करूँगा कि जब से जो हमारे चेयरपर्सन है जशा मुग्दल मैम है हमारे इस बैंक का और डिपार्टमेंट का जो उन्होंने चार्ज होल्ड किया था इसमें उन्होंने जितना हमें हेल्प आउट कर सकते हैं शायद वो हमारी आशा के से बढ़कर है। हमारी पर्टिकुलर जो एक सोसाइटी थी जिसका 24 करोड़ रुपीज़ डिफ़ॉल्ट अमाउंट चल रहा था तो मैम के पर्सनल और प्लस हमारे जो स्टेट के चीफ सेक्रेटरी हैं उनके पर्सनल इंटरव्यू के बाद वो हमें वन गो में 24 करोड़ रुपीज़ जो मिला और उसको पर्टिकुलरली हमने अपने बैंक को सर्वाइव करने के लिए CBS पर्पज़ के लिए उसको पूरे के पूरे अमाउंट को क्योंकि नियर फ्यूचर में जो है हम उस चीज़ में करें। उसके साथ हमारे बैंक के साथ जो है ऑलमोस्ट 371 पैक्स जो एफिलेटेड है उसमें कुछ अमाउंट जो था डिफ़ॉल्ट अमाउंट भी था तो उसमें से भी 3 करोड़ रुपीज़ इसमें हमारे जो प्रेजेंट जो अभी चेयरपर्सन मैम है जशा मुग्दल उन्होंने पर्सनली इसमें पेन ले करके जो कंसर्न कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है RCS ऑफिस में रजिस्ट्रार और प्लस ARO DR इन सब की जो है करके उनसे पूरी हेल्प के बाद 3 करोड़ रुपीज़ 6 मंथ के बीच में हमने रिकवर किया और होपफुली जो है नेक्स्ट 6 मंथ में भी जो है इस चीज़ में हम अचीवमेंट करेंगे। और मुझे लगता है कि पिछले 2 साल के जो अचीवमेंट थी वो पब्लिक में भी हमारा एक कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मकसद था कि जो पब्लिक है उनको हमारे बैंक के कोऑपरेटिव तो हमारी इंक्रीमेंट्स जो थी 2017 से बैकलॉग में थी उसको भी हमने मैम के आने के ऊपर हमने इस चीज़ को प्रोजेक्ट किया कि हमारी इंक्रीमेंट्स हमारा DLS अलाउंस काइंडली रिलीज कीजिए। तो आप देखते हो कि जो ये जो इश्यूज होते हैं ये एम्प्लॉइज यूनियंस टेकअप करती हैं लेकिन मैं कहूँगा कि जहाँ पर किसी यूनियन ने इस इशू को टेकअप नहीं किया ये मैनेजमेंट ने खुद ही इस इशू को मैम के समक्ष रखा और एक ही बार में हमारा ये सारा इंक्रीमेंट्स का ये हल हो गया। उसके बाद 2018 में ग्रेच्युटी एक्ट में अमेंडमेंट हो गया, ग्रेच्युटी जो कि 10 लाख से 20 लाख हो गई, सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सेंट्रल एम्प्लॉइज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सभी को ग्रेच्युटी 20 लाख हो गई लेकिन हम लोग डिप्राइव रह गए इस चीज़ से। फिर हमने इस इशू को भी मैम के समक्ष रखा और हम बहुत धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का और स्पेशली मैडम जशा मुद्गल जी का कि उन्होंने इस इशू को भी 10 लाख से 20 लाख किया विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ और हमारे जितने एम्प्लॉई जो रिटायर हो चुके थे 40 से 45 एम्प्लॉई हमारे जो 10 लाख में रिटायर हुए थे उन सभी को इसका एरियर जो है वो दिया गया।